नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। जनरल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर को हटाने को लेकर जम्मू हिंसा की चपेट में है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, कहीं क्या किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? देखिए, ये बहुत दुखद घटना हुई है जो जम्मू में हुई है। पंजाब के आतंकवाद के नासूर से बड़े मुश्किल से हिंदुस्तान को छुटकारा मिला है और वो एक पूरा इतिहास है जिसको हमने कब्र में दफन कर दिया था और उसके पीछे हमने हमारे देश की एक बहुत बड़ी नेता और प्रधानमंत्री को खोया है। जो कुछ भी ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और जिसकी वजह से पंजाब का आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचा, वो सारी घटनाओं की पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है किसी ने निश्चित तौर पर साजिशन, क्योंकि इस वक्त भिंडरावाले के पोस्टर लगाए जाने का कोई कारण नहीं बनता, कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन किसी ने अगर बदमाशी की भी है तो उससे शासन प्रशासन को मुझे लगता है कि थोड़ा और संयम बरत के थोड़ी समझदारी के साथ निपटने की ज़रूरत है। वैसे भी ये जो घटना हुई है ये पंजाब में नहीं जम्मू में हुई है और जम्मू और कश्मीर एक राज्य के रूप में अभी इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। वहाँ पर ऐतिहासिक रूप से पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई है। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी दो विपरीत ध्रुवों की और विपरीत सोच वाली पार्टियों का एक साथ आना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश भी है, उसकी वजह से टकराव भी आ रहे हैं, आदर्श और सिद्धांत आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि दोनों ने फिर भी सोचा कि साथ में मिलकर हम इस राज्य को बदलाव की दिशा में ले जाएं। जिस तरह की वोटिंग जम्मू कश्मीर के राज्य के चुनावों में हुई है उसमें हमने देखा है कि जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा वोट मिला है और घाटी में पीडीपी को वोट मिला है। ऐसे में जम्मू जैसे क्षेत्र को जिसको हम मान के चल रहे थे कि शांत है और वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है और घाटी से हमें निपटना है, वैसे में यदि जम्मू भी अशांत हो जाता है तो जम्मू और कश्मीर मिलकर सरकार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाए। इसमें ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जब एक तरफ हम कश्मीर पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि घाटी में शांति आए, घाटी में लगातार आतंकवादी जिस तरह की घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे वहाँ फहराए जा रहे हैं, वहाँ पर गिलानी के पासपोर्ट को लेकर एक नया सिरदर्द खड़ा हो गया है, वहाँ पर एक नए तरह के चरमपंथ को हवा देने की कोशिश की जा रही है और ये चरमपंथ नहीं है, सीधे तौर पर आतंकवाद है जिसको प्रायोजित किया जा रहा है। जब हम घाटी के उस आतंकवाद से निपटने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहते हैं, ऐसे में यदि प्रशासन को अपनी ताकत जम्मू की ओर मोड़ना पड़ेगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा घाटी में मिलेगा। घाटी के आतंकवादी जिस तरीके से घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं, आज की भी ताज़ा खबर है कि लगातार गोलीबारी हुई है, घुसपैठियों को सीमा के पार से भेजने की कोशिशों में आपस में टकराव हुआ है और ये दिखाई देता है कि शायद इस तरह की साजिश हो कि जम्मू को अशांत किया जाए और जब शासन प्रशासन और पुलिस का ध्यान जम्मू की तरफ लगा हो तब कश्मीर में कुछ इस तरह की घटना की जाए जिससे जम्मू और कश्मीर मिलकर अशांत हों और प्रशासन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाए। तो ये जो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, निश्चित तौर पर इसको कैसे असंतुलित किया जाए, कैसे टकराव को बढ़ाया जाए, इस दिशा में कोई ना कोई साजिश लगातार होती हुई नजर आ रही है। यदि भी आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि यह आग जो है पंजाब तक भी पहुंच सकती है, निश्चित तौर पर, क्योंकि पूरा का पूरा सिख समुदाय इसमें शामिल है, आंदोलित है, उद्वेलित है, युवाओं ने प्रदर्शन किया है, पुलिस और सिख युवाओं के बीच में झड़पें हुई हैं, गाड़ियां जलाई गई हैं, मीडिया की गाड़ियां जलाई गई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक मौत हो चुकी है और जो घायल हुए हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हुए हैं, हाईवे को जाम करने की कोशिशें हुई हैं। मुझे लगता है कि इस आग को यदि वहीं पर नहीं बुझाया गया तो निश्चित तौर पर हम उस भयावह अतीत की ओर किसी भी हाल में नहीं लौटना चाहेंगे जिससे कि हम निकलकर बाहर आ चुके हैं और ऐसी किसी भी कोशिश को जिसमें वापस किसी गैर मुद्दे को मुद्दा बनाकर, जिस किसी खत्म हो चुके मामले को फिर से जिंदा कर भारत के किसी भी क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश की जा रही है, उसको तुरंत ही चिंगारी को वहाँ बुझा देना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अगर ये चिंगारी फिर से शोला बनती है तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की फिजाओं में फिर से कुछ इस तरह का जहर घुलेगा जिससे हमारे लिए निपटना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। जहाँ एक तरफ हम विकास की बात कर रहे हैं, दुनिया के देशों में हिंदुस्तान का परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं, विकास की नई इबारत लिखकर एक नए तरह के हिंदुस्तान के निर्माण का सपना देख रहे हैं, तब हम इस क्षेत्रीय आतंकवाद से, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की विकास के पहिए बहुत बुरी तरीके से धीमे हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, और जिस तरीके से हमने असम को, पंजाब को, जम्मू कश्मीर को, गोरखालैंड की मांग को एक साथ सिर उठाते हुए एक समय में देखा है, आप कल्पना कीजिए कि जब आपके देश के 5-6 प्रमुख राज्य
हिंसा की आग में जल रहे हो, तो वह आप किस तरह से विकास की बात कर सकते हैं? और वो बाहरी दबावों और प्रभावों में हुआ था, ये साबित हो चुका है। लेकिन जब हम इस तरीके से केवल अब एक हाथ राज्य जम्मू कश्मीर जैसा असम की हिंसा पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, आप देखिए कि अभी त्रिपुरा में अफस्पा को हटाया गया है, तो ऐसे में जब हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, त्रिपुरा में हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी, फिर भी वहाँ पर आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ था, अभी वहाँ के सरकार की अनुशंसा पर और केंद्र सरकार द्वारा मंजूर कर लिए जाने पर वहाँ से हटा है। मणिपुर में हम चाहते हैं कि हटे, लेकिन और इरोम शर्मिला का इतना लंबा अनशन हमने देखा, लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में किसी और नए राज्य से हिंसा का इस तरीके से सिर उठाना, और ये क्षेत्रीय मुद्दे जानबूझकर हवा दिए जाते हैं, एक हिंदुस्तान जो है, एक जो अखंड भारत है, वो लोगों की आंखों में सुहाता नहीं है। मैं इसमें एक चीज़ और जरूर जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने अपने पड़ोसी देशों को साथ में लेने की कोशिश की है, जिस तरीके से हमने बहुत समय से असंतुलित रहने वाले संबंधों को संतुलित करने की कोशिश की है, जिस तरीके से हिंदुस्तान अपने सामरिक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, निश्चित तौर पर जिन ताकतों को ये चीज़ें रास नहीं आती, जिन ताकतों ने हमेशा से हिंदुस्तान को खंडित करने की कोशिश की है, उन ताकतों ने सोचा होगा कि कैसे हिंदुस्तान के इस प्रगति के रथ को रोका जाए, और वो नए नए बहाने और नए नए कारण ढूंढकर हिंदुस्तान को असंतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी है कि साजिश को सब लोग समझें, वो सिख युवा भी समझें जो उनकी भावनाओं पर इस बात को लेने की बजाय इसकी वास्तविकता और इसके व्यावहारिक महत्व को और इसके दूरगामी परिणामों को समझें, और एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो सपना हमने देखा है उससे जोड़ते हुए, इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझे लगता है उस पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके की कोशिशें हिंदुस्तान को बेहतर करने की पिछले कुछ सालों में हुई है, वो उन लोगों को नहीं अच्छी लगेंगी जो लोग भारत को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। यदि जो गिलानी जैसे नेता जो खुद को भारतीय कहने में शर्म महसूस करते हैं, इनका इलाज क्या है? इनका इलाज तो मुझे लगता यही है कि जो व्यक्ति अपने पासपोर्ट पर अपनी नागरिकता भारत की लिखे और उसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा और पाकिस्तान के झंडे फहराने वालों को बढ़ावा दे, उस व्यक्ति को बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान जाकर रहने के लिए कह दिया जाए, आप वहाँ का पासपोर्ट बनवाइए और एक बार केवल पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, वहाँ पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसकी अहमियत क्या है। आप यहाँ रहकर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के नागरिक हैं और उसके बावजूद आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलें? जम्मू कश्मीर की समस्या को असल में इतना बड़ा इसी तरह के लोगों ने बनाया है, इस तरह के लोगों के दोगलेपन ने बनाया है, जो ये जानते हैं कि ये समस्या का हल सिर्फ इस बात में है कि आप अगर हिंदुस्तान की जो अखंडता है उसके साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं इसीलिए, बल्कि आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, उस राज्य पर कितना सारा पैसा हिंदुस्तान की इसलिए खर्च कर रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि वह शांति बहाल हो, लेकिन लोग यदि उसके बावजूद इस तरह से दोहराव की बातें करते हैं, अलगाव की बातें करते हैं, तो निश्चित तौर पर गिलानी जैसे लोगों का तो एक ही इलाज है कि यदि आप सोचते हैं आपकी स्वतंत्रता है, आप सोचते हैं कि ये राष्ट्र आपके लिए ठीक नहीं है, इस राष्ट्र में रहकर आप बेहतर तरीके से विकास नहीं कर सकते, आप दूसरे राष्ट्र से शरण मांगिए, वहाँ की नागरिकता मांगिए, आप स्वतंत्र हैं, जाके वहाँ की नागरिकता लीजिए और अपने पासपोर्ट, आप क्यों मजबूरी में हिंदू, आप कह रहे हैं कि मैं मजबूरी में लिख रहा हूँ, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? तो आप शायद हिंदुस्तान के वो जो अवधारणा है उससे अपने आप को एकाकार नहीं कर पा रहे हैं, और यदि आप उससे एकाकार नहीं कर पा रहे हैं तो आप पर किसी तरह का दबाव नहीं है, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लीजिए, लेकिन कृपा करके हिंदुस्तान की धरती पर रहकर हिंदुस्तान के पासपोर्ट को लेकर अलगाव की बातें मत कीजिए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे जम्मू कश्मीर में अलगाव बात की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।